Na 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 na. Still drive me crazy. गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, कैसे हाल चाल हैं आपकी। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। अगर अच्छे नहीं हैं तो आज का वीडियो देख के डेफिनेटली अच्छे होने वाले हैं। आज मैं डॉक्टर के पास जाने वाली हूँ। कुछ दिन से मेरे स्टमक में बहुत ही अजीब तरह की सेंसेशन फील हो रही है मुझे, जो कि यूजुअल नहीं है, एंड थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट भी है, रात को भी फील हो रही है। सो इसके बारे में हम इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जा रहे हैं। ओके, सो डॉक्टर के साथ मेरी अपॉइंटमेंट है 1:45 पे और समय हुआ है 12:30। मेरे पास एक घंटा है, तो मुझे लगता है कि एक घंटा इनफ होगा, लाइक विनर्स में शायद नहीं होगा। सो जल्दी से सफ़र शुरू करते हैं। गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, गाड़ी में पेट्रोल डलवाना भी ना एक बड़ा वड्डा काम है। सो सबसे पहले हम पेट्रोल फिल कर लेंगे गाड़ी में, एंड देन वी आर फ्री स्पिरिट टू गो। ओके, आज बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है, 21 है, सो इसलिए। वैसे भी यार मुझे लगता है कि मेरे ज़्यादा कपड़े ना फुल स्लीव्स ही होते हैं। यार प्रॉब्लम क्या है कि जब सर्दियाँ होंगी तो आपको गर्मियों में पहनने वाले कपड़े ज़्यादा दिखेंगे, और जब गर्मी है, जब आप कुछ भी पहन सकते हैं, तो आपको सर्दी वाले कपड़े ही अच्छे लगते हैं, दिखते हैं, वही दिखते हैं। आई डोंट नो ऐसे क्यों है, बड़ी परेशान हूँ मैं इस चीज़ से। सो पेट्रोल पंप इज आवर फर्स्ट स्टॉप, बट बिफोर दैट वी हैव टू डू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। यार पता नहीं ना, इतना अनकम्फर्टेबल फील हो रहा ना। Lightning stricken cactus and it starts to rain. The smell of steamed asphalt scented Novocaine. Nature's brew of all kinds of things. Alright दोस्तों, so update from the car. विनर्स के बाहर से निकली हूँ मैं। वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड है, लाइक अब मनेंगे नहीं, बहुत बड़ी लाइन है। इतनी बड़ी लाइन में मैं नहीं खड़े हो सकती क्योंकि मेरी बारी नहीं आएगी। वैसे भी मेरे पास सिर्फ 50 मिनट्स हैं। सो मैंने ये सामने नर्सरी है, यहाँ पे कुछ प्लांट्स देखे, यहाँ पे ये लॉज है, यहाँ पे प्लांट्स पे बहुत अच्छे प्राइस है। लाइक जो एनुअल्स होते हैं यूजली, लाइक जो 29 में है वो 10 में मिल रहा है, तो मोस्टली ये सारे प्लांट्स क्लियरेंस पे हैं। सो अगर आप खरीदना चाहें तो ज़रूर से ट्राई कर सकते हैं, पर मुझे प्लांट्स नहीं चाहिए क्योंकि जिन्हें मेरे पास हैं उनकी टेक केयर करना ये बड़ा मुश्किल है अगर मुझे कहीं जाना पड़ेगा तो। सो यह मैंने नहीं लिया है, आप ले सकते हैं अगर लेना चाहें तो। रवाना होते हैं डॉक्टर के अपॉइंटमेंट की तरफ। ओके दोस्तों, तो आज है डे 2 शॉपिंग का, क्योंकि कल हम बहुत जगह पर जा नहीं पाए, आज भी नहीं जा पाएंगे क्योंकि लाइनें इतनी लंबी हैं ना, इतना बड़ा बिल्डिंग। ओके, सो जो स्टोर मुझे पसंद भी है ना, उनके बाहर इतनी लंबी लाइन कि थोड़ी बारी कल आऊगी। दैट्स अपडेट। फिलहाल हम गैप के बाहर खड़े हैं क्योंकि इनकी टी शर्ट्स अच्छी हैं घर में पहनने के लिए। इतनी लाइन से खड़ के अंदर जाओ, अंदर जाके कुछ पसंद ना आए, फिर दिल इन्ना टूटता है ना दोस्तों, की फायदा होया। तो हिम्मत की शॉपिंग हुई है गैप से और वो अपनी चीज़ें खुद से देना चाहते हैं। डैडी नो पुश करना, कहना कि मैं ही करना सारा कुछ, कहना आई एम द बॉस की फैन। हे वी नो दिस लेडी इज हिम्मत मामी। खतरनाक बारिश हो रही है मैन, बहुत ज्यादा खतरनाक। सो ये प्यारी सी बारिश
को देखना मुझे बहुत 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 अच्छा लगता है। इस पर मैंने कोशिश की कि हर एंगल से मैं इस बारिश का मज़ा ले पाऊँ। ये दिन बारिश बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार हुई थी और मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर करते हैं कि ये बारिश की बूंदें कैसे लग रही है। क्या आपको भी बारिश को देखना अच्छा लगता है? And I hope we never change. And I know when I'm right, we could end this fight. I can't ever change a thing. I could never change a thing. Yeah, change a thing. I could never change a thing. I could never change a thing. आज हम लोग बाहर आए हैं क्योंकि आज मेरे ड्रेस का शूट करने वाले हैं हम लोग फाइनली। अन्य सदियों के बाद समय आ चुका है कि हम कर पा रहे हैं। आज वैसे तो बहुत ज़्यादा गर्म दिन है एंड हमारे यहाँ पे एक शख्स आए हैं, कुछ कहना चाहेंगे सर आप? वैसे तो आज बहुत ज़्यादा गर्म दिन है पर हम हिम्मत जुटा के आ गए और ऑलमोस्ट हमारा रैप अप होने वाला है। कुछ और मुझे क्लिप्स चाहिए डिफरेंट लोकेशन पर, उसके बाद हम डन हैं एंड हस्बैंड उसके बाद मुझे कुछ खिलाने वाले हैं। शूट करने के चक्कर में मैंने कुछ खाया भी नहीं है घर से, मुझे बहुत भूख लगी। व्हेन व्हाट आई कैन ईट? ओ हिम्मत एंड हस्बैंड ने दोनों ने अन्नी पार्टी मनाई। चिप्स दे वड़े वड़े कॉस्को वाले बैग ख़त्म कर दिए उन्होंने, हस्बैंड एंड हिम्मत दोनों। हस्बैंड तो मेरी ड्रेस वधिया लगी? नहीं ही सर, नहीं। अगर आपने मेरी ड्रेस वाला व्लॉग अभी तक नहीं देखा है तो जल्दी से देखें कि कितने कम अमाउंट में आप प्यारी सी ड्रेस खुद से DIY कर सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी इस वीडियो के नीचे। ज़रूर से देखें और अपने रिव्यूज़ ज़रूर से दें मुझे कि आपको वो वीडियो कैसी लगी और आपको मेरी ड्रेस कैसी लगी। और ये दो जो बंदे मुझे यहाँ पर मिले इनसे भी पूछ लेते हैं, सर आपको मेरी ड्रेस अच्छी लगी? ओके, सर ने कहा कि अच्छी है। हिम्मत आपको कैसी लगी? ओके, सो गाइस रैप अप। ओके दोस्तों, अब हमें सामान समेटना पड़ेगा। ऑलराइट दोस्तों, तो फाइनली हमारा रैप अप हो चुका है और मैं थक चुकी हूँ क्योंकि मैं हील पहन के शूट कर रही थी और ये जो ग्रास है गिल्ला है और मेरी हील, इसमें हील से वॉक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। मैं थक गई हूँ कैमरा नो इधर उधर ले जा के, क्योंकि मैं ही हूँ हर चीज़ का एक्सपर्ट। या ऑलराइट दोस्तों, तो काम कर करके मैं बुरी तरह थक चुकी हूँ। आप इन दोनों को कहेंगे कि इस सामान को समेट ले और भूख ना भी थोड़े बुरे हाल हो गए। मम्मी व्हाट आई कैन ईट? हे डैडी, कैन आई ईट सबवे सैंडविच? रैप अप, लेट्स पैक अप। ओके दोस्तों, तो हम लोग घर पहुँच चुके हैं। आते समय हम लेके आए हैं सबवे सैंडविच। वैसे मुझे आपने कभी सबवे खाते हुए शायद ही देखा हो, पर मैंने लगता है कि बाहर ख़रीदने से सबसे ज़्यादा अच्छी ऑप्शन ये है कि ज़्यादा सब्जियाँ ऐड करके खा सकते हैं। वैसे ब्रेड तो है पर मैंने कुछ भी नहीं खाया सुबह से और 5 बज रहे हैं और जल्दी से पेट पूजा करते हैं एंड देन जाएंगे। आज मुझे आप गाड़ी में इस जगह पे इसलिए पा रहे हैं क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड दोनों आए हैं। आज उनको आना था ब्रैम्पटन किसी काम से, तो मैंने सोचा कि मैं भी साथ में चली जाती हूँ क्योंकि यहाँ पे चीज़ें खुल गई हैं और ब्रैम्पटन में शॉपर्स वर्ल्ड में सिंगल मशीन की रिपेयर होती है और उनके रिव्यूज़ अच्छे थे, तो मैंने सोचा कि मैं अपनी मशीन की रिपेयर भी देख लेती हूँ अगर हो पाए तो। तो सबसे पहले हम वहाँ पे गए एंड मशीन को दे दिया है उनको और ही सेड कि मैं 2 दिन में दे दूंगा। और हमने कहा कि हम बहुत दूर से आए हैं, प्लीज़ अगर आप जल्दी कर पाएंगे तो। ही सेड कि मैं शाम तक ही कर देता हूँ। आई एम सो हैप्पी। और मैंने उसे इशू एक्सप्लेन तो कर दिया कि मशीन ना सीधी सिलाई नहीं लगा रही है, लाइक धागा हर टाइम टूट रहा है। और जो उसने मुझे बताया कि कंसर्न हो सकता है, मैंने उसे कहा कि ये कंसर्न नहीं है क्योंकि देयर इज़ नो एविडेंस ऑफ
वो कह रहा कि कई बार क्या होता है कि सुई नीचे हिट करती रहती है जिसकी वजह से धागा टूटता है। मैंने कहा कि उसका कोई एविडेंस नहीं है क्योंकि नीचे मेरा जो वो शटर का कवर है पूरा क्लीन है। तो या उसने कहा कि वो कर देगा जैसे कैसे भी, उसे पता है कि शायद पीछे रबर में प्रॉब्लम होगी क्योंकि वो कभी स्लिप हो जाती है। सो मेरी मशीन शायद रिपेयर हो जाएगी। अब हस्बैंड अपनी मीटिंग के लिए गए हैं, मैं और हिम्मत यहाँ पे वेट कर रहे हैं और हमारे सामने ये एक इंडियन रेस्टोरेंट है जिसके समोसे मेरी दोस्त ने खाए अच्छे होते हैं। सो उसके बाद मेरी फ्रेंड के घर जाएंगे हम लोग, समोसे लेके चाय पियेंगे उसके घर में, थोड़ी चिल करेंगे एंड तब तक मेरी मशीन भी हो जाएगी तो घर जाते हुए वो पिक कर लेंगे। तो यार यही अपडेट है, यही चल रहा है और आज बहुत प्यारा पर गर्म दिन है, पर गर्म दिन हमें बहुत अच्छे लगते हैं एंड या हम मैं और हमारे कैंडी क्रश खेल रहे हैं। वन बाय वन खेल रहे हैं। एक्चुअली मैं कैंडी क्रश की इतनी अडिक्ट होती थी ना कुछ समय पहले, मैं पूरी फिनिश कर ली थी। मैंने लगा कि यार क्या मेरी जिंदगी का इतना इम्पोर्टेंट टाइम मैं ये कैंडी क्रश खेलने में स्पेंड कर रही हूँ, तो मैंने डिलीट कर दी। पर अभी इसको आ गया है इसका क्रेज और फिर मुझ में वो लव जाग गया है कैंडी क्रश का। तो यस अब मैं और हिम्मत दोनों कभी कभी थोड़ा बहुत प्ले कर रहे हैं स्टूपर स्टूपर कैंडी क्रश। yep. मेरी टर्न नहीं आई। ओ तू वो लेवल क्लीन कर ले, ओ किधर है चीटिंग गाय। You still talking to them? I don't care. I have to play my crazy stupid candy crush. हमारी मशीन हो चुकी है फिक्स, अब हम हमारे प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं। अराउंड $75 लिए उसने, पर अच्छी बात है कि सेम डे ही रिपेयर करके दे दी क्योंकि यूजली ये जो मैकेनिक्स होते हैं ना ये बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, तो एक ही दिन में मुझे कुछ घंटों में मेरी चीज रिपेयर करके देना मेरे लिए बिग डील थी, तो बहुत हैप्पी हूँ मैं। सो मेकअप ब्रशेस को क्लीन करेंगे। बहुत सारे दोस्त जानना चाहते हैं कि मैं मेकअप ब्रशेस को कैसे क्लीन करती हूँ, तो मैं यूज़ करती हूँ डिश वॉशिंग सोप और उसमें मैं एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल ऐड करूँगी। इसे मिक्सचर के साथ मैं ब्रशेस को क्लीन करूँगी। इसमें मैं थोड़ा सा ऑलिव ऑयल ऐड कर लेती हूँ, स्प्रेड कर लेंगे एंड अब हम ब्रशेस को वॉश कर, ब्रश को लेके उस पर थोड़ा पानी लगाया जाएगा एंड देन थोड़ा सा सोप और इसे मेरे हैंड पे स्क्रब कर कर करके हम सारी मैस निकालेंगे। यू गाइस कैन सी, इसी तरह हम ब्रशेस को वॉश करते जाएंगे। ब्रशेस को वॉश करने में बहुत ज़्यादा समय जाएगा, सो इस समय में मैं कुछ ना कुछ तो टीवी पे देखूंगी, अदरवाइज बोरिंग हो जाएगा। मैं तब तक इसको सोप के साथ वॉश करूंगी तब तक जब तक सोप बिल्कुल क्लीन नहीं आ जाता। जब क्लीन आ जाएगा तो मैं इसे छोड़ दूंगी थोड़े समय के लिए, उसके बाद हम एक साथ ही सबको वॉश। यस ऐसे कंटिन्यू करूंगी मैं। टॉवल पे रख दूंगी। आप ये वाइप पे देख सकते हैं कि ये मेथड कितना अच्छा काम करता है कि ये ऑरेंज कलर का दिख रहा था ब्लश की वजह से, ब्राउनजर की वजह से बिल्कुल वाइट हो चुका है। ये जो सोप है ये ब्रिसल्स को क्लीन कर देगा एंड जो ऑलिव ऑयल है वो इसको थोड़ा सॉफ्ट रखेगा। इसके भी जो ब्रिसल्स है ऊपर से वाइट है, आप देखें कि कितना अच्छा क्लीन होता है इस मेथड से। ऑलराइट दोस्तों, तो सारे ब्रशेस क्लीन हो चुके हैं, अब हमें इसे कुछ देर के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। ये सारी चीज़ें खाली होगी, आई एम वेरी हैप्पी। काफ़ी समय लगा मुझे, आई थिंक 30-40 मिनट्स लग गए, सो बट ये क्लीन हो गया, फीलिंग मच 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 बेटर नाउ।
नेक्स्ट मॉर्निंग है ये ब्रशेज ऑलरेडी अच्छी तरह ड्राई हो चुके हैं, इसको मैं अपस्टेयर ले आई हूँ और अब हम इसे वापस इनके जार्स में रख लेंगे और हिम्मत मेरी मदद कर रहा है ब्रशेज को मैनेज करने के लिए। थैंक यू फॉर हेल्पिंग हिम्मत। यू वेलकम मामा, आई लव हेल्पिंग यू। ऑलराइट प्यारे दोस्तों, सो आई होप आपने आज का व्लॉग इंजॉय किया होगा। अगर किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब, फॉलो एंड बाय। मैं मिलूंगी नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बिल्कुल मत भूलें दोस्तों, यू गाइज आर ब्यूटिफुल द वे यू आर। स्टे हैप्पी, कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रॉन्ग। वी गाइज कैन डू एनी थिंकिंग थिंग, थिंक अबाउट इट एंड टेक एक्शन एंड an easy peasy lemon squeezy. Bye dosto, bye dosto.